हाँ भैया, मतलब मीटिंग आईडी सेंड कर दो, बहुत दिनों में बहुत पीछे चली गई। मस्तान चलो यार, नहीं लास्ट क्लास में हमने पोजीशन किया था, ठीक है, याद है सबको? पोजीशन याद है सबको? हाँ भैया, हाँ भैया, तो हमने रिजल्ट निकाला था। यहाँ पर दो रिजल्ट में मेनली यूज होगी। पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, क्या था? m1 u1 + m2 u2 इक्वल्स टू में m1 v1 + m2 v2, ये था, ठीक है भैया? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन से किया था, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है भैया, ये वाली चीज हमने कहां से मिलती है? कहां से मिलती? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, याद है बेटा? याद है? भैया ठीक है। और ये हमने लास्ट में ये किया था कि u1 - u2 = v2 - v1, ये किया था बाय जो हमने प्रूफ किया था, ठीक है भैया? फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन से हमने ये प्रूफ किया था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने ये निकाला था, याद है? किसको किसको याद है लिया? ये तो याद ही होगा आपको कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, v2 - v1 अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन थी और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन थी, और इनकी वैल्यू क्या थी? 1 आती थी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो यही तो आएगा, याद है? अबे जल्दी बोल हाँ यार, भैया, क्लियर है भाई? चलो, ये हमने इलास्टिक कोलिजन से क्या था, ठीक है भैया? पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कह रहा था कि पहली पहली बॉल का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम इक्वल्स टू है फाइनल टकराने के बाद पहली बॉल का मोमेंटम और दूसरी बॉल का इंटरसम सम हमें से क्या था भैया? बराबर आता था। और फिर इलास्टिक कोलिजन से हमने ये भी प्रूफ किया था कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बराबर में रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, याद है बेटा? हाँ भैया, हाँ भैया, अब देखिए मैं करना क्या इसमें, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर दी कोलिजन, आफ्टर दी कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी का कैलकुलेशन। देखिए भैया, हमें गिवन क्या रहेगा आपको? गिवन रहेगा m1 m2 u1 and u2, ठीक है? m1 m2 u1 and u2, ठीक है भैया? ये हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है? निकालना है, हमें गिवन नहीं होगा v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और फाइनल वेलोसिटी दूसरी बॉडी की आफ्टर कोलिजन, ठीक है? इन दोनों की फाइनल और टकराने के बाद की वेलोसिटी नहीं रखी होगी, टकराने से पहले के सारे डाटा हमें गिवन रहेगा, ठीक है भैया? तो हमें वी वन और वी टू निकालना है, ठीक है? चलो कैसे निकालते? तो देखिए भैया, बड़ा आसान तरीका है, ठीक है? करेंगे क्या? चलो देखिए, हमें पता है ये वाली इक्वेशन और हमें पता है ये वाली इक्वेशन, हमने अगर हमें निकालना कैलकुलेशन कैलकुलेशन फॉर v1 की कैलकुलेशन के लिए, तो हमें v1 की कैलकुलेशन निकालनी है, ठीक है भैया? तो हमने क्या किया, हमें v2 की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या कहते हैं, u1 - u2 =
v2 minus v1, ठीक है। तो हमने v2 की वैल्यू निकाली, v2 की वैल्यू क्या है u1 minus u2 और प्लस v1। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये v2 की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी इस वाले क्वेश्चन को, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन फर्स्ट इक्वेशन, v2 की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, क्या आ गया ये m1 u1 + m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 + m2, और v2 की वैल्यू क्या किया से ये रखिए u1 - u2 + v1, ये हो गया भैया आपका। चलो m1 u1 m2 u2 बराबर में M1 V1 और एक बार M2 U1 माइनस M2 U2 और प्लस M2 V1, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगा, ठीक है भैया। हम V1 वालों को एक साइड में रखकर बाकी सारे टर्म को पगले साइड में रखते हैं, इन दोनों को इधर की तरफ और इन दोनों को यहीं पर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका M1 U1। देखिए जब हमने M1 U1 है और कुछ दिक्कत तो नहीं है, चल हटिए इसको भी देते हैं, इसको जब इधर लाओगे इन दोनों को इधर, इसको इधर लाओगे देखो माइनस M2 U1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इधर आके इसके साथ माइनस हो जाएगा, और ये देखिए ये और ये जब इधर, ये जब इधर आएगा तो प्लस मिलेगा, ये जब इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, बताइए ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसमें तो मैं 2 m2 u2, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? नहीं भैया, ठीक है भाई। अब अगले स्टेप में लिखिए m1 v1 m2 v1, v1 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा m1 plus m2, अभी भी कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बोल दो नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। यहाँ से u1 और u1 को कॉमन ले लिया, ठीक है, u1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा m1 minus m2, ठीक है भाई, और इधर क्या बचा 2 m2 u2, ठीक है भैया। और इस चीज को इसके नीचे लाओगे तो क्या हुआ m1 plus m2 और आ गया आपको क्या v1, क्या निकाल लिया आपने भैया v1। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, कॉपी कीजिए भैया, 2 मिनट के अंदर आफ्टर कोलिजन, तो ये क्या रही होगा, हाँ ये वाला, अच्छा अब कुछ नहीं किया मैंने, देख ये और ये इन दोनों को इस साइड है तो ये इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, हाँ भैया। और देख इधर m2 u2 ऑलरेडी है और ये भी क्या m2 u2, लेकिन इधर माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, 2 m2 u2 लिख दिया, समझ गया। और v1 और v1 दोनों को कॉमन ले लिया इसका, ठीक है, ठीक है। भैया इतने वेरिएबल से तो बहुत क्या बात है, क्यों छुट्टी है भाई, और पक्का कह रहा हूं मैं, देख आज ही यही कहने वाला था मैं, लिख नंबर क्या दे कि भाई पेरेंट्स के नंबर लेने वाला हूं, और आज शाम को 4 बजे और 1 बजे, 1 बजे होगा 5वां चैप्टर स्टार्ट और 4 बजे होगा 8वां चैप्टर स्टार्ट। तो भाई जी देखिए आपका वेलकम है दोनों ही बच्चों, जिसको रिवीजन करना है बच्चों के लिए, मुझे पता है बच्चों में ज्यादा बच्चे को रिवीजन करना होगा, ठीक है आना, और जिसको 8वां चैप्टर स्टार्ट करना हो, देखिए भैया अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या करेंगे v2, तो बेटा यहां पे किसकी वैल्यू निकालू मैं, v2 की वैल्यू नहीं निकालूंगा मैं, v1 की वैल्यू निकालूंगा, v1 ठीक है। चलो तो v1 की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या अच्छा v1 की हम तो इसे पता ही है भाई, हमें v1 की वैल्यू निकालनी है, v1 क्या देना, इसको उधर ले आओ इसको ले आओ, तो v1 इक्वल्स टू v2 - u1 + u2, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखिए इसको इधर ले आया प्लस हो गया और इस दोनों को इधर ले गया, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है अच्छा। जिसने ध्यान से देख लिया उसको अगला वाला भी क्लियर रहेगा, ये साइड वैसी रहेगी, ये साइड में v1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे,
हे दुख भंजन मारुति वंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। एम टू वी टू ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया स्टेप में एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू प्लस बराबर में ये क्या हुआ एम वन V2 M1 U1 M1 U1 U2 U2 प्लस M2 प्लस M2 V2 ठीक है भाई। अब इन दोनों को तो क्या करेंगे परली साइड में जाते हैं ये आएंगे भाई देखिए ना पता मिले ना खबरिया देखिए ये इधर आएगा ऑलरेडी यहाँ पे ये जब इधर आएगा तो क्या टू M1 ये ऑलरेडी जब ये वाला इधर आया ये वाला तो ये माइनस हो जाएगा ठीक है और U2 और U2 दोनों के पास में U2 को मान लीजिए भाई ठीक है भाई। अब इधर की तरफ क्या होगा तो M1 V2 बचा है और M2 V2 बचा है तो V2 यहां से कॉमन ले लो M1 plus M2 तो भाई यार ये हो गया आपका रिजल्ट V2 बराबर में 2 M1 U1 इसे ऐसे लिख दो सेम उसको फॉर्मूला लिख दो सारी फॉर्मूला U2 M2 minus M1 plus 2 M1 U1 upon में M1, M2. कोई दिक्कत नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है नहीं भैया कॉपी कर ले इसको फोटो ले लो फटाफट फटाफट कर लो हो गया भाई फोटो ले लो इसकी टाइम नहीं था तेरी छोटी छोटी बात तेरी हर एक मुलाकात तड़पाए मुझको लम्हा तेरा साथ बताओ भाई वीवर के लिए M1 U1 U1 वीवर इक्वल्स टू M1 भैया U1 है इसके पहले ब्रैकेट के पहले मेरे को याद नहीं रहता मुझे पहले बता दे रहा हूँ मैं U1 ब्रैकेट में M1 minus M2 upon में M1 plus M2 plus ऊपर 2 M2 U2 upon में M1 plus M यही था नहीं नहीं ये हाँ ठीक है भैया ना सुबह अलग अलग किया कंजर ठीक है U2 नहीं है V2 है अब घुसा बाद में इतने दांत तो 2 M2 V2 है अरे जब 2 M2 V2 है अबे V2 तो आई नहीं तेरे पीछे अच्छा नहीं नहीं U2 U2 है U2 है अरे यार मैंने V को U लिख दिया सॉरी सॉरी इतना मारू ना मोटे इंडिया V2 बराबर में याद क्या है U2 M2 minus M1 upon में M1 plus M2 plus इधर क्या है 2 M1 U1 upon में M1 plus M2 भाई देख लो ये होना चाहिए ये तो रिजल्ट निकाले थे हमने ठीक है भाई अब ठीक है हाँ भैया हाँ भैया देख लो भाई चेक कर लो मेरे को भरोसा नहीं है मैं कोई चीज याद की होती मैं ड्राइव कर देता हूँ कितनी भी लंबी चीज हो मुझे भरोसा नहीं है मैंने सही रखा है अच्छा वर्टिकल सर्कल हो गया आपका हाँ भैया V1 V1 कहाँ गया भैया V1 में ठीक है V1 ठीक है अपना V2 भी ठीक ही है अपना चलो ये देखिए अब एक बात बता दो मैं आपको दो तीन एग्जांपल लिख देता हूँ इफ M1 इज या कोई भी मास हो चाहे M1 हो चाहे M2 हो कोई भी मास हो अगर M1 इज मच ग्रेटर देन M2 से कहते हैं मच मच ग्रेटर देन तो एक बात ध्यान रखना कि M1 प्लस M2 का जो सम आएगा
वो m1 के ही बराबर है या बस याद दीजिए, अगर एक बॉडी का मास बहुत बड़ा है और दूसरी बॉडी का मास बहुत छोटा है तो बहुत बड़ा प्लस बहुत छोटा क्या होगा, बड़े वाले का मास बड़ा है ना, बड़े मास में एंड m1 माइनस m2 नियरली इक्वल्स टू m1, बहुत बड़ा माइनस बहुत छोटा किसके बराबर आएगा, बहुत बड़े वाले की, ठीक है भाई। अबे assumption clear है कि अगर मास m2 से बहुत बड़ा है, अगर मास m1 m2 से बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो m1 plus m2 का सम क्या होगा, m1 के बराबर आएगा और m1 minus m2 का सम difference भी जो होगा वो m1 के ही बराबर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा plus बहुत छोटा बहुत बड़े वाले के लिए बराबर होता है और बहुत बड़ा minus बहुत छोटा भी क्या होता है उसी के बराबर आता है, ठीक है भाई। कभी भी किसी को बुलाते हैं उसका रिकॉर्ड खींच सकते हो, ध्यान रखना ठीक है, नोट्स देखूंगा सबसे पहले पढ़ाई की है, और बेटा टेस्ट कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, मैं क्या करूंगा बताओ, मेरा क्या करते रहो अपने ऐसे घर वालों के साथ धोखेबाजी, बेचारे घर वाले यही सोच रहे मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उनको क्या पता कि मेरा बच्चा पीठ में चाकू घोंप रहा है, उनके मेहनत की कमाई की मजाक उड़ा रहा है, निकम्मो नाबालिग क्या, किसने किसने टेस्ट नहीं दिया, मैंने चैप्टर 5 करा ही नहीं। चलो भाई लिखिए भैया पहला केस है व्हेन अ बॉडी कोलाइड, केस नंबर फर्स्ट, when a body collides against a when a body collides against a stationary body of equal mass, stationary when a body collides against a stationary body of equal mass, देखिए भैया क्या कह रहा है, body number first क्या बोल है, इसकी velocity क्या थी भैया u1 थी, body number second है इसकी velocity क्या भैया u2 थी, दोनों आपस में collide हुई, इसने इसके ऊपर force लगाया इसने इसके ऊपर force लगाया और बाद में m1 की speed क्या होगी भैया कम होगी, v1 और m2 की speed क्या होगी भैया बढ़ेगी भी, ये हमने देखा था, कह रहा भैया पहले केस में केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भैया एक बॉडी जा रही है वो दूसरी बॉडी से टकरा रही है, इन दोनों का मास ही क्या भैया सेम है, दोनों का मास क्या सेम है लेकिन दूसरी वाली बॉडी क्या है, देखिए भैया पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है, पहली बॉडी की वेलोसिटी मैंने ले ली यू वन इक्वल्स टू में यू, इसकी वेलोसिटी क्या थी भैया इनिशियल वेलोसिटी यू थी, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी u2 भी ना क्या थी भैया रेस्ट में थी, दूसरी बॉडी क्या क्वेश्चन इसमें केस में ही तो बोल रखा है कि पहली बॉडी चल रही है और दूसरी बॉडी क्या भैया रुकी हुई है, ठीक है, और दोनों का मास क्या भैया बताइए पहले बोल दो m, सेम है दोनों का मास क्या भैया आपका, दोनों का मास क्या भैया सेम है, तो कह रहा है आपको v1 निकालना है, v1 क्या होगा बेटा, v1 का फॉर्मूला U1, U1 क्या भी है U, अगर U1 क्या है U, दोनों का मास सेम है तो डिफरेंस क्या आएगा जीरो, अगर दोनों का मास सेम है तो डिफरेंस क्या आएगा जीरो, ये दोनों का मास ये सेम है तो क्या होगा टू है प्लस टू m2 क्या भी है m के बराबर है, u2 क्या भी है जीरो के बराबर है, क्या हो गया ये u2 क्या भी है जीरो के बराबर है, एक सेकंड की गलती हो गई, ये तो सब जीरो हो जाएगा, हां भैया ये पूरे ये u1 की जगह u आना था, पहले क्या तो इसके से ये ना व्हेन अ बॉडी बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ, हां ठीक है एंड लास्ट को लेना गिरना तो सही वेलोसिटी या v2, अच्छा ठीक है इसका तो जीरो ही आ रहा है, ठीक है चलो सही करते करते हैं बाकी पर दिक्कत नहीं, टू है तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है जीरो, जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सुनिए मीनिंग क्या हुआ कि जो बॉडी चल रही थी
टकराई तो अभी क्या हुई, रुक जाएगी, ये क्या हुई, रुक जाएगी, लेकिन इसके बारे में नहीं पता हमें, तो देखते हैं V2 क्या हुआ, V2 V2 है क्या, U2 क्या है, जीरो है, अबे U2 क्या है, जीरो है, दोनों का डिफरेंस क्या है, जीरो, नीचे क्या है, टू है, प्लस टू, M1 क्या भी है, M, और U1 क्या भी है, U, अपॉन में M1 plus M1 क्या हुआ, 2M के बराबर है, M से M क्या हो गया, जीरो, टू से टू कैंसिल हो गया, ये पूरे जीरो, तो V2 किसके बराबर आ गया, U के बराबर, देखिए सुन लीजिए क्या मीनिंग हुआ, ये जीरो नहीं आ रहा, ये जीरो से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ये रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर सेकंड में, ये रेस्ट में, तो टकराई, तो टकराने के बाद ये जीरो होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यही कह रहा है भैया, अगर दो इक्वल मास वाली बॉडी ए की लाइन में है, एक बॉडी रेस्ट पर दूसरी बॉडी चल रही है, तो टकराने के बाद जो चल रही थी वो क्या होगी, रुक जाएगी, लेकिन जो रुकी हुई थी वो सेम स्पीड से क्या होगी, चली जाएगी, ये किस कंडीशन में होगा, इलास्टिक कोलिजन में, केवल किस में होगा भैया, इलास्टिक कोलिजन में, फटाफट लिखिए भैया इसको, फटाफट लिखिए, जो बॉडी चल रही थी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो जाएगी, और जो बॉडी रुकी हुई थी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी पहले वाले के बराबर आएगी, ठीक है भाई, क्लियर है, दो भैया दोनों बॉडी का मास सेम है, वो था यार कैसा बंदा है, वो इंटीग्रल पर क्वेश्चन में तो बोल रखा है, ठीक है भाई, ठीक है भैया, अगला लिखिए, अगला केस, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड, when two bodies of equal mass collide, कह रहा दोनों ही चल रही है और दोनों ही टकरा रही है, when two bodies of equal mass collide, दो बॉडी उनका मास सेम है, वो चल रही है और कोलाइड कर रही है, तो इसकी u है और इसकी क्या है, u dash है, क्या भैया, इसकी u1, u पहले बॉडी की वेलोसिटी रखी u1, दूसरी की क्या रखी है, u dash, तो भैया देखिए यहां पे कम u1 की जगह पे u आ गया, दोनों सेम मास की है, तो डिफरेंस क्या है, जीरो आएगा, नीचे क्या है, टू एम आएगा, एम टू, ये टू टू आया, एम टू की जगह पे एम आया, और यू टू क्या भी आया, यू टू क्या है, अबे यू टू क्या है, यू डैश, तो भैया एम से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये क्या है भैया आपका, टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो वी वन की वैल्यू क्या आएगी भैया, वी वन इक्वल्स टू में यू वन डैश, ठीक है भैया, आपका यू वन डैश आ गया, ठीक है भैया, आप देखिए वी टू क्या आएगा, देखिए U2 क्या भैया, U2 dash, U dash, U2 क्या भैया, U dash, देखिए U2 U dash के बराबर, डिफरेंस क्या है, जीरो है, नीचे 2m है, और इधर क्या हुआ, 2 मास m है, U1 क्या भैया, U1 U के बराबर, U अपॉन में 2m, 2m से 2m कैंसिल हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, तो क्या हुआ, V2 क्या गया, U के बराबर आ गया, आप देखिए मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, कह रहा भैया कि ये दो से चल रहा था, ये चार से चल रहा था, सॉरी ये चार से चल रहा था, ये दो से चल रहा था, टकराने के बाद क्या हुआ, ये चार से चल रहा था, ये दो से चल रहा था, टकराने के बाद क्या हुआ, ये दो से चलेगा, अब ये किससे चलेगा, चार से चलेगा, लेकिन भैया जिसकी वेलोसिटी पहले यू वन थी, यू थी, अब उसकी क्या हो गई है, यू डैश हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी पहले वाली की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भैया, यू थी, अब उसी की फाइनल क्या हो गई है, U dash हो गई है, और दूसरे वाले क्या थी भैया, इनिशियल U dash थी और फाइनल क्या हुई भैया, U हो गई है, एक्सचेंज द वेलोसिटी, एक्सचेंज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है भैया, एक्सचेंज हो गया, फटाफट लिखिए भैया केस नंबर टू, फटाफट लिखिए, ये दोनों एक दूसरे से वेलोसिटी का क्या करेंगे भैया, एक्सचेंज कर लेंगे, बदलाव कर लेंगे, था भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस लिखिए भैया, केस नंबर थर्ड, वेर अ लाइट बॉडी कोलाइड्ड, वेर अ लाइट बॉडी कोलाइड, लाइट मतलब बहुत हल्की बॉडी, वेर अ लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी, अगेंस्ट अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स, कोलाइड अगेंस्ट अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी,
मैसिव बहुत बड़ी मास की है, स्टेशन बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा वो रुकी हुई है। Then a light body collides against a massive stationary body. कह रहा बहुत छोटी सी बॉडी एक बहुत बड़ी बॉडी जो कि रेस्ट में उससे टकराती है। तो देखिए भैया क्या कह रहा है, इसकी हमने उसकी वेलोसिटी क्या ली है u1, ठीक है, दूसरी की वेलोसिटी क्या लिया जीरो है क्योंकि वो रेस्ट में है ना भाई। और ये भी बोल रखा है कि भैया m2 क्योंकि दूसरी बॉडी जो है वो रुकी है, तो m2 इज मच मोर ग्रेटर देन m1, m2 जो है वो m से बहुत बड़ी है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ m2 minus m1, m2 m2 के बराबर होगा और m2 plus m1 भी क्या हुआ m, m के बराबर होगा m2 के, ठीक है। ये अजम्पशन लगी बस हो गया खत्म। आप देखिए भैया v1 निकालना है आपको, तो देखिए भैया आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या u1 की वैल्यू क्या है u है, u1 की वैल्यू u है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो आप यहाँ पे m1 minus m2 कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी का मास किसका, देखिए क्या अगर आप यहाँ पे m2 minus m1 minus m2 करते हो तो क्या होगा minus m2 के बराबर है, किसके बराबर आएगा negative m2, negative m2 में क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भैया m2 बहुत बड़ा मास है, ये बहुत छोटा मास है, छोटा मास माइनस बड़ा मास, तो देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखिए माइनस M2, M2 और नीचे प्लस क्या आएगा M1 प्लस M2 का M2, M2, ठीक है भैया ये हो गया। अब उसके बाद ये करते हैं, देखिए 2 M2 ही ले लीजिए, इसको दूसरे की वेलोसिटी क्या भैया जीरो है तो जीरो लिख दीजिए क्योंकि U2 जीरो है, यहाँ पे U2 आ रहा है और दोनों का सम क्या आएगा M2 के बराबर आएगा, M2 से M2 का कैंसिल हो गया, यहाँ से M2 से M2 का कैंसिल हो गया, ये पूरी जीरो होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया भैया V1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस यू, मतलब भी छोटी वाली बॉडी जो वी से चल रही थी वो टकराने, सॉरी यू से चल रही थी वो टकराने के बाद क्या होगी उसी वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी विद अपोजिट डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वही है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उल्टी विद अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से वापसी आएगी। अब इसका हाथ देखते हैं, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए भैया इसके बारे में ये क्या भैया जीरो, ठीक है भैया डिफरेंस क्या आएगा एम टू ही आएगा, सम क्या आएगा एम टू आएगा प्लस एम टू एम वन, एम वन क्या एम वन उसकी वेलोसिटी क्या यू अपॉन में एम वन प्लस एम टू क्या आएगा एम टू ही आएगा, ठीक है भैया समझ गया भाई। एक बात देखो भैया एम वन डिवाइड बाय एम टू क्या है भैया, एम वन बहुत छोटा मास है और एम टू क्या है बहुत बड़ा मास है, एम वन बहुत छोटा एम टू बहुत बड़ा, तो बहुत छोटा डिवाइड बाय बहुत बड़ा क्या होता है भैया जीरो के बराबर, जीरो के बहुत पास में आता है। एक देखिए भैया एक डिवाइड बाय एक लाख क्या हुआ जीरो के एक वन डिवाइड बाय, तो इसमें बहुत छोटी टर्म का बहुत बड़ी टर्म से डिवाइड करोगे तो जीरो के आसपास आएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गया जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी क्या हो गया जीरो, तो वी टू क्या हुआ मैसिव बॉडी क्या रहेंगे आप रेस्ट में रहेंगे, मैसिव बॉडी थी छोटी बॉडी आई बड़ी बॉडी से टकराई छोटी बॉडी वापिस चली विद सेम वेलोसिटी बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन बड़ी वाली बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा वो हिली भी नहीं, ठीक है भाई। हाँ भैया ठीक है भाई चलो लिखिए भैया अगला केस, केस नंबर फोर और लास्ट केस है भैया, लिखिए भैया व्हेन अ मैसिव बॉडी, व्हेन अ मैसिव बॉडी, मैसिव बॉडी collides against a light stationary body, when a massive body collides against a stationary body, collides against a light stationary body, sorry light stationary body, light stationary body, when a massive body collides against a light stationary body, इस केस में क्या भी आपका m1 जो है वो m2 से बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई,
इस केस में जो चल रही है बॉडी वो बड़ी दूसरी बॉडी से क्या वो आप जाता है वहां से। तो भैया एम वन माइनस एम टू क्या हुआ एम वन के बराबर होगा, एम टू माइनस एम वन क्या हो गया माइनस एम वन के बराबर होगा। ठीक है भैया समझ गए ना समझ गए ना। हाँ इस बार ये चल रहा है पहली बॉडी जो मैसिव बॉडी उसकी वेलोसिटी और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की है। तो चलो ये रखते हैं इसमें भाई इसके नोट्स बना ले पक्का पहले करो u1 u है दोनों का डिफरेंस क्या होगा m1 माइनस m2 m1 के बराबर आएगा m1 प्लस m2 क्या होगा m1 के बराबर आएगा ये और ये कैंसिल हो गए प्लस 2m2। अच्छा पता ही क्या M1 बहुत बड़ा है M2 बहुत छोटा है तो M1 देखिए M2 बहुत छोटा है M1 बहुत बड़ा है तो इन दोनों का डिवीजन क्या हुआ जीरो के बराबर जीरो जीरो के बराबर आएगा। तो देखिए ये वही किया मैंने 2 M2 और U2 का भी इस बार जीरो है अपॉन में ये क्या हो गया आपका M1 तो भैया कैंसिल हो गया ये तो पूरा जीरो ही आ रहा है ना इसको हटा दे जीरो। ठीक है अब रहा ये तो हमारा v1 क्या हो गया मतलब जो उसकी स्पीड थी टकराने के बाद भी क्या नहीं वही नहीं जो भयवी बॉडी थी बहुत मैसिव तो देखिए भैया u2 क्या भैया जीरो डिफरेंस क्या है माइनस m1 m2 माइनस m1 का डिफरेंस क्या है भैया m2 माइनस m2 minus m1 का डिफरेंस minus m1 के बराबर आएगा। ठीक है अब देखिए अपॉन में नीचे क्या हुआ दोनों का सम m1 के बराबर आएगा प्लस 2 m1 क्या भैया बताओ भाई m1 m1 के बराबर ही होगी u1 क्या उसका u दोनों का सम क्या हुआ m1 के बराबर आएगा। तो भैया देखिए ये m2 से m2 क्या हुआ कैंसिल हो गया ये टर्म क्या हुआ जीरो हो गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या भैया 2u अब क्या हो गया ये तो फार्मूला क्या हो गया कहने का क्या मतलब है कि जो रुकी हुई थी उसकी स्पीड क्या होगी पहली वाली से डबल हो जाएगी दुगनी हो जाएगी उसकी स्पीड। ठीक है भैया देखिए भैया क्या कैसे हो तो गई दुगनी ये स्पीड इसकी इसका मास बहुत ज्यादा था इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी भैया u थी ये रेस्ट में थी इसका मास बहुत कम था टकराई दोनों ने एक दूसरे फोर्स लगाया बड़ी वाली बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा वो उसी रफ्तार से चल रही है लेकिन छोटी वाली बॉडी क्या होती है उससे डबल रफ्तार से चली जाती है उससे डबल स्पीड से क्या होती है आगे बढ़ जाती है। ठीक है बेटा हाँ भैया नहीं भाई क्लास के बाद जरूरी यही है कि अभी ना सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नंबर अपने पापा का नंबर मेरे फोन पे सेंड करेंगे तुरंत जरूरी बात ठीक है भैया क्योंकि हर सरकार का काम है जो भी बच्चा अपसेट रहेगा जिसकी परफॉर्मेंस खराब चल रही होगी उसके पेरेंट से सीधा बात करूंगा। अगर आप ये भाई मेरे लिए नहीं है मैं आपके लिए कह रहा हूँ अगर आपको अपने अंदर सुधार पाना है अच्छा करना है बढ़िया करना है ग्यारहवीं क्लास में पताका फहराना है झंडा फहराना है तो भैया मुझे व्हाट्सएप पे अपने पिताजी का नंबर सेंड कीजिए और ऐसा नंबर जो लगे। ठीक है भैया चलो मिलते हैं भैया कल क्लास में टाइम खत्म हो गया तो बाय बाय जय हिंद जय भारत भैया नमस्ते हैप्पी बर्थडे।